हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि आप देख सकते हैं, मेरे पास एक मनी प्लांट की वैरायटी है जिसका नाम एंजॉय स्पोतोस है। आप देख सकते हैं कि इसके लीव्स एकदम देखने में बहुत ही खूबसूरत है, और एक ऑर्डिनरी यानी जो हम ज़्यादातर लगाते हैं घरों में उसके मुकाबले में बहुत ही अलग है। और इसमें पैटर्न्स इस प्रकार के हैं कि जिस तरह के एक मार्बल पे आते हैं, और मार्बल जो आता है मनी प्लांट वो अलग है, उसके लीव्स जो है इसके कंपैरिजन में थोड़े बड़े आते हैं। और आप देख सकते हैं कि कितनी खूबसूरत लग है। ये मैंने सिर्फ 6 इंच के पॉट में मैंने लगाया हुआ है, और देखिए कितना अच्छा ग्रो कर रहा है। और इसका मनी मदर प्लांट भी मेरे पास है नीचे, और देख सकते हैं कि इसमें जो लीव्स जो है वो अच्छी तरह बढ़ रही है। तो चलिए आज इसके हम केयर के बारे में बात करेंगे। एंजॉय स्पोतोस जो है वो एक वैरायटी है मनी प्लांट की, यानी पोतोस में एक वैरायटी है। एंजॉय स्पोतोस आप इंडोर भी ग्रो कर सकते हैं और आउटडोर भी ग्रो कर सकते हैं। अगर आप इंडोर रखेंगे तो इसे अच्छी ब्राइट जहाँ रोशनी पड़ती है वहाँ रखें, अगर आप इसे आउटडोर रखेंगे तो ध्यान दीजिएगा कि उस पर हम ग्रीन नेट या कोई शेड की एक व्यवस्था करें, बिकॉज इसकी जो लीव्स है वो बर्न हो जाएगी। मैंने इसे सिर्फ वीडियो के लिए धूप में रखा है, मैंने इसे सिर्फ शेड में ही लगाया हुआ है। आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छा ग्रो कर रहा है। और अब देखिए इधर ये जो हिस्सा हुआ है ये थोड़ा सा बर्न हो गया है, तो इस तरह से सारे लीव्स बर्न हो जाएगी। इसलिए आप इसे ग्रीन नेट में या फिर किसी बड़े पेड़ के शेड में रख दें, या फिर कोई भी शेडेड एरिया में रख दें। तो इसकी हम प्रोपगेशन के बारे में बात करेंगे, तो आप देख सकते हैं कि इसके हर एक स्टेम लीफ के नीचे एक रूट निकल आता है। आप चाहे तो इतना सा लेके मिट्टी या पानी में ग्रो कर सकते हैं। मेरा सजेशन यह है कि प्रोपगेशन पोतोस में पानी में करें, ताकि इसकी रूट्स अच्छी तरह डेवलप हो जाए, फिर आप इसे मिट्टी में लगाएं। और एयर लेयरिंग भी कर सकते हो आप। एयर लेयरिंग इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इसे इतना कटिंग करके पानी में लगा दें तो ये चल जाएगी। मिट्टी में भी आएंगे, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस पानी के साथ बहुत अच्छा है। और इसमें हम वाटरिंग तभी करेंगे जब इसकी सॉइल अच्छी तरह ड्राई हो जाए। और इसमें मैं इसे हफ्ते में एक या दो बार ही देता हूँ। और वेल ड्रेन सॉइल ले रखे, आप इसकी सॉइल ऐसी बनाएं, एक हिस्सा खाद यानी वर्मी कंपोस्ट या फिर कोल्ड कंपोस्ट ले सकते हो, और एक हिस्सा मिट्टी नॉर्मल जो गार्डन मिट्टी होती है वो, और थर्ड जो है अगर आप इंडोर रख रहे हैं तो कोकोपीट ना मिलाएं, अगर आउटडोर रख रहे हैं तो कोकोपीट की ज़रूर इस्तेमाल करें। अगर कोकोपीट की जगह आप इंडोर लगा रहे हैं तो इसमें रेत मिला दें। तो इसकी पॉटिंग साइज यही है, और इसमें कोई फर्टिलाइज़र की ज़रूरत उतनी नहीं पड़ती, बिकॉज इसमें फ्लावरिंग नहीं है, ये बस फोलियज के लिए मशहूर है। और इसे आप किसी भी पॉट में लगाएं, हैंगिंग पॉट में या फिर ऐसे ऑर्डिनरी पॉट में, या टेबल पे रख सकते हैं आप। इस तरह से आप इसकी डेकोरेशन कर सकते हो। और इसी तरह और भी इसमें बहुत उसमें नई वैरायटीज़ हैं, जैसे कि मार्बल क्वीन और नियॉन, और ये जो है इसका एंजॉय स्पोतोस है। और इसी तरह दूसरों पौधों की भी हम केयर कर सकते हैं। और इसी तरह प्लांट्स एंड सीक्वेंस के बारे में जानना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज़।